यो मैं हूँ अंकित धाकर। तो इस वीडियो में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं अल्ट्रोज एग्जेड और अल्ट्रोज एग्जेड प्लस एस का। तो अल्ट्रोज एग्जेड प्लस एस होती है उसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, तो ये चीज़ तो नॉर्मल है। तो इसमें आपको दोनों कार में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है उन सब कार में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रंट से देखने में दोनों ही कार आपको एच जी टी सेम लुक्स के साथ में आपको मिलती है। तो दोनों कार में आपको एच जी टी सेम लुक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। फ्रंट से देखने में आप कार में कोई भी डिफरेंशिएट यहाँ पे आपको नहीं कर सकते, आपको दोनों ही कार फ्रंट से देखने में बिल्कुल सेम मिलेगी। हालांकि ब्लैक कलर में आपको थोड़ा सा इसका कलर बिल्कुल ज़्यादा डार्क लगेगा। जो मेन जो गपला है उनका वो इंदर फीचर्स में आपको क्या क्या कटिंग मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो अल्ट्रोज एग्जेड है ये एग्जेड प्लस नहीं, एग्जेड इसके ऊपर एग्जेड प्लस आता है, उसके ऊपर एग्जेड प्लस एस आता है। तो ये सारे वेरियंट्स में आपको डिफरेंस मिलता है, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिलता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जेड अब प्लस में आपको एग्जेड में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखो भाई, टायर साइज़ तो आपको दोनों गाड़ी का सेम मिलता है, साइड प्रोफाइल आपको दोनों गाड़ी की एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिलती है। मतलब साइड प्रोफाइल में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेन जो डिफरेंस मिलता है वो आपको मिलता है, मैं बताता हूँ आपको, ऊपर से जिसमें आपको जो आपका जो ये मिलता है एंटीना वो आपको इसमें वायर्ड मिलता है, उसमें आपको शार्प फिन मिल जाता है। तो ये डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। बाहर से देखने में क्या क्या डिफरेंस मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसमें आपको जो वाइपर है वो आपको नॉर्मल वाइपर मिलते हैं, मतलब इसमें आपको ऐसे कुछ एंटी क्लीन या फिर कुछ ऐसे यूनिक से दिखने वाला वाइपर नहीं मिलते, वहीं इसमें आपको यूनिक से दिखने वाला वाइपर यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसमें आपको डार्क क्रोम का यूज़ ज़्यादा मिलेगा, वहीं उसमें आपको जो नॉर्मल क्रोम है वही लगा हुआ है यहाँ पर आपको मिलता है। मैं आपको साइड बाई साइड कंपेयर करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जो इसका जो क्रोम है वो आपको थोड़ा सा डार्क साइड मिलता है, लेकिन उसका जो क्रोम आपको बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट आपको मिलता है। डार्क की ब्रेंजिंग मिल जाती है, जो कि वो डार्क नहीं है, तो उसमें आपको डार्क की ब्रेंजिंग नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ अंदर आपको क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं। सबसे पहले अपन एग्जेड का इंटीरियर देखते हैं। तो एग्जेड प्लस के इंटीरियर आपको ऐसा कुछ इंटीरियर आपको एग्जेड प्लस का मिलता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी आपको कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब इसमें आपको सेमी डिजिटल या फिर कोई एनालॉगी जो आपका जो टेकोमीटर आपको एनालॉग यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ये सब आपको मिल जाता है। इसमें आपको फैब्रिक सीट यहाँ पे आपको मिलती है, आमरेस मिल जाता है, ड्राइव मोड इसमें आपको इको मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये सब चीज़ें इसका जो ये आपको जो बीच में डैशबोर्ड पे आपको डिज़ाइन मिलती है आपको ग्रे कलर में मिलती है। अब चलते हैं उसमें आपको ये मिलता है वो मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। जो चीज़ मिसिंग इसमें आपको मिलती है और इसमें आपको मिसिंग मिलती है उसमें आपको प्लस मिलेगा, वो क्या क्या है मैं आपको उस वीडियो में बताता हूँ। तो इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल रहा है, डार्क एडिशन इस वजह से इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल यहाँ पे आपको मिलता है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको ऑन करके। तो इसमें आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो ये हो गया इस एग्जेड प्लस का एस का प्लस पॉइंट, जो आपको एग्जेड है वो आपको, और ये आपका एग्जेड प्लस एस है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन चीज़ें जो मुझे बिल्कुल एक सिंपल सी एक सिंगल टच मेरे को फील हुई, जिसमें आपको डैशबोर्ड बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, ऑल ब्लैक मिलता है। भी आपको जो गियर है उसमें आपको शायद यहाँ पे आपको कोई लीवर, इसमें आपने पियानो ब्लैक में आपको फिनिशिंग मिलती है। इसमें आपको लेदर राइट सीटें मिलती है और वेंटिलेशन का शायद इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आपको मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स शायद। तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, और इसमें आपको जगह जगह लाइटिंग उनमें भी आपको मिल जाती है। इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, तो भी सनरूफ इसमें एग्जेक्ट प्लस एसी सनरूफ इसमें आपको मिलती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ये आपको इसमें यहाँ पे आपको मिलता है। अंदर से हालांकि आपको और भी फीचर सारे डिफरेंसेस मिलते हैं, जिसमें आपको इसमें भी आपको इको मोड मिलता है, इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको कोई नहीं मिल रहा है। इसमें आपको इको और आपको सिर्फ ड्राइव मोड यहाँ पे आपको मिलेगा, इको सिटी मतलब आपको दो ही मोड यहाँ पे आपको मिलता है। स्पोर्ट मोड आपको एग्जेक्ट प्लस है, उसमें आपको जो आई ये आपको आई टर्बो आता है उसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको और दिखाता हूँ फीचर्स, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आपको शायद उस वेरिएंट में आपको मिलता है, मैं आपको भी कंफर्म करके दिखाता हूँ। पीछे चलते हैं, तो पीछे आपको एसीटी सब कुछ सेम मिलेगा, पीछे आपको कोई भी डिफरेंस हालांकि इसमें आपको पीछे एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि उसमें भी आपको मिलेंगे। मतलब मेन जो डिफरेंस है आपका डैशबोर्ड कलरिंग है, इनका ही यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जैसे मैं भी आपको उसको जाके दिखाता हूँ उसमें आपको क्या मिसिंग मिलता है वो मैं आपको भी वहाँ जाके दिखाता हूँ। जैसे अपन वापस आ गए हैं इस साइड, तो इसमें आपको जो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह वो भी आपको इसमें मिल जाता है। मतलब मेन डिफरेंस इसमें आपको लेदर राइट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, उसमें आपको लेदर राइट स्टीयरिंग व्हील वहाँ पे मिल रहा है। तो जो आपको कलरिंग का डिफरेंस मेन वहाँ पे आपको मिलता है, और उसमें आपको सनरूफ मिल जाती है। तो ये चीज़ें फीचर्स आपको डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो मेन मेन डिफरेंस तो मैं आपको दिखा दिया, हालांकि उसमें और भी डिफरेंस मिल रहा है जो मुझे क्लियर सीन हुए मैं आपको वही दिखाया। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और इन दोनों की कार की जो प्राइसिंग में जो इतना डिफरेंस है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये डीजल वेरियंट है पर्टिकुलर और वो पेट्रोल है, तो इन दोनों की जो प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो आप सिर्फ फीचर्स को ही ध्यान में दें और मैं आपको पेट्रोल और पेट्रोल का कंपेरिजन ही सिर्फ शो करूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।